गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस बेटा, हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट था। आज हम चैप्टर 4 के करेंगे इंसर्टिंग पिक्चर्स। यस, टॉपिक है अपना इंसर्टिंग पिक्चर। यू कैन इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम अ फाइल आल्सो इज योर डॉक्यूमेंट्स। हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, उसके लिए ये ऑप्शन है। यस, टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम फाइल फॉलोज द स्टेप्स गिवन बिलो। स्टेप फर्स्ट, क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। फर्स्ट स्टेप पे में बेटा क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पर, ये इंसर्ट टैब है। स्टेप सेकंड, क्लिक पिक्चर फ्रॉम द इंस्टॉलेशन ग्रुप्स। जो ये पिक्चर का ग्रुप है, देखिए इंसर्ट पे क्लिक करते ही पिक्चर ग्रुप आता है। ओके, यस, द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपेयर। और ऐसे ही क्या हो जाता है, इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से। स्टेप थ्री, सेलेक्ट द पिक्चर फ्रॉम द डिजायर लोकेशन। और अब हम क्या करेंगे, जो भी पिक्चर है उसे सेलेक्ट करेंगे और जहां हमारा कर्सर होगा वहां पर क्या हो जाएगी, वो पिक्चर आकर इंसर्ट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से। ये इसके इसका रिसाइज करने वाले ऑप्शंस है, इन्हें हम रिसाइज कर सकते हैं इन पॉइंटों से। यहां पर जैसे ही हम अपना कर्सर लेके आते हैं, अपने कर्सर का स्टाइल चेंज हो जाता है, तो इससे हम इसे स्मॉल लार्ज कर सकते हैं। यस, स्टेप फोर, क्लिक द इंसर्ट बटन, द पिक्चर गेट्स इंसर्टेड ऑन योर डॉक्यूमेंट। और जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं, इंसर्ट बटन पर, ये क्या हो जाती है, हमारी पिक्चर इंसर्ट हो जाती है। देखिए इस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, इंसर्ट पर क्लिक करा, फिर पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करा, उसके बाद ये विंडो अपेयर हुई। इस विंडो में से हमने पिक्चर सेलेक्ट करी, इंसर्ट पर क्लिक करा और हमारी पिक्चर क्या आ गई, अपने वर्क एरिया पर आ गई। तो इस तरीके से हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। अब देखिए जो हम राइट करते हैं उससे हम किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं, कौन से वर्ड आर्ट यानी कौन से फॉन्ट स्टाइल में किस तरीके से हमें उसे राइट करना है, ये सारा हम कहाँ करते हैं, वर्ड आर्ट में। यस, वर्ड आर्ट फीचर्स फॉलो अलाउज यू टू क्रिएट अ स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट। इट गिव्स अ यूनिक लुक टू द टेक्स्ट। ये क्या करता है, यूनिक लुक देता है टेक्स्ट को। यूजिंग वर्ड आर्ट यू कैन क्रिएट डेकोरेटिव इफेक्ट्स सच एज कर्व, वेज, शेडोज, थ्री डायमेंशनल एक्सेट्रा। टू इंसर्ट अ वर्ड आर्ट फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। अब देखिए वर्ड आर्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके लिए स्टेप्स देखेंगे। क्लिक द इंसर्ट टैब, सेलेक्ट द वर्ड आर्ट बटन इन द टेक्स्ट ग्रुप, सेलेक्ट अ वर्ड स्टाइल। इंसर्ट पर क्लिक करा, इसमें अपने पास आया टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद ये हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल आ गई। यस, द एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स अपेयर विद अ सिलेक्टेड प्लेस होल्डर। और जैसे ही हम इस वर्ड आर्ट के टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, किसी भी टेक्स्ट पर, तो हमें प्लेस होल्डर आ जाता है। इस तरीके से एक बॉक्स आ जाता है, वहाँ पर राइट होता है योर राइट टेक्स्ट, यानी हमें अपना टेक्स्ट राइट करना है और हम उस पर बैक स्पेस से डिलीट करके और उसे उस पर टाइप करेंगे। तो जैसे ही हमने टाइप करा, तो जिस भी फॉन्ट स्टाइल हमने लिया है, आर्ट ली है, वर्ड आर्ट, उसमें क्या हो जाएगा, जो भी टाइप किया वो राइट हो जाएगा। देखिए हमने इसमें से ये वाली वर्ड आर्ट ली और इसी डार्क कलर में, और बिल्कुल फुलफिल होकर हमारा जो भी टेक्स्ट है वो राइट हो गया। स्टेप टू, टू टाइप द टेक्स्ट और फॉर्मेट यूज द फॉन्ट ऑप्शन। चेंज द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स लाइक फॉन्ट्स, फॉन्ट साइज, बोल्ड एंड इटैलिक। क्लिक ऑन ओके बटन, यू विल फाइंड अ ब्यूटिफुल चेंज इन द टेक्स्ट। अब देखिए इस पे ओके बटन पर क्लिक करा और हमारे पास ब्यूटीफुल यानी बहुत अच्छे से सुंदर सा एक टेक्स्ट राइट हो गया है। ये हमने कहाँ से करा बेटा, इंसर्टिंग वर्ड आर्ट में से। इंसर्टिंग वर्ड आर्ट कहाँ मिलेगा, इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब में आएगा अपने पास आर्ट, और आर्ट पर हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमें चेकबॉक्स से नीचे एक लिस्ट बनेगी, उसमें बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स होंगे वर्ड आर्ट के, और उस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। यस, इंसर्टिंग शेप्स। अब हमने क्या करा, टेक्स्ट चेंज करा और अब इंसर्टिंग शेप्स इंसर्ट करेंगे। शेप का ऑप्शन भी बेटा इंसर्ट टैब से ही आता है। शेप आर द ड्रॉइंग फीचर्स दैट हेल्प्स यू टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स लाइक स्टार, बैनर्स, फ्लो चार्ट्स, लाइन, क्लॉथ एक्सेट्रा। विद द हेल्प ऑफ दीज शेप्स यू कैन ड्रॉ अटेंशन एंड प्रोवाइड इम्पैक्ट टू योर मैसेज।
और शेप्स के इसके लिए हो जाते हैं, जो भी हम शेप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हमारे टास्क को मैथ्स का कोई हम पेपर टाइप कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई शेप चाहिए, जैसे हमें ट्रायंगल चाहिए, हमें पेंटागन चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, तो इस तरीके से शेप्स में ये आता है। देखिए ये होती है सारी शेप्स, इससे हम ब्लूट्स भी राइट कर सक वो मैनेज कर सकते हैं। यस, क्लिक द इंसर्ट टैब, स्टेप सेकंड क्लिक शेप फ्रॉम द इंस्टॉलेशन ग्रुप, जो ये इंसर्ट का एक ग्रुप है, इंसर्ट पर क्लिक करते ही उसके इंसर्ट में जितने भी फीचर्स हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, अपेयर हो जाते हैं। अ गैलरी विद डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ शेप्स अपेयर, और इसमें शेप्स पे इंसर्ट पर क्लिक करके ऑप्शन आता है शेप, ये शेप का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारे पास गैलरी ओपन हो जाएगी जिसमें डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं। यस, अब इस शेप्स में से हम किसी भी एक शेप को सेलेक्ट करेंगे और जैसे हम वर्क एरिया पर आएंगे तो वर्क एरिया पे कर्सर को क्लिक करके और ड्रैग करते जाएंगे तो जितना ड्रैग करेंगे उतना ही साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए हमने ये शेप सेलेक्ट करी थी और अब ये पॉइंट्स क्या हैं, इसके रिसाइजिंग पॉइंट्स हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, और इससे क्या करेंगे, इससे हम रोटेट कर सकते हैं इसे। यस, स्टेप थ्री, क्लिक ऑन द शेप एंड ड्रैग टू ड्रॉ इट ऑन द डॉक्यूमेंट। When you draw the shape, a new format tab automatically appear, displaying the drawing tools to format the shape you have drawn. Yes, next. अब जो भी हमने shape बनाई है उसमें हम क्या करेंगे, color fill करेंगे। Yes, shape fill. To fill color in the shape, follow the given step. स्टेप फर्स्ट, डबल क्लिक ऑन द शेप टू सेलेक्ट इट, जो भी हमने शेप बनाई है उस पर डबल क्लिक करेंगे और उसे सेलेक्ट कर लेंगे। द फॉर्मेट टैब ओपन, इसके बाद फॉर्मेट टैब ओपन होगी, इसमें फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे, ये देखिए शेप के बाद यहाँ पर आता है फॉर्मेट टैब। क्लिक शेप फिल अ लिस्ट अपेयर, और इसमें एक ऑप्शन आता है फिल शेप कलर, देखिए ये चेक ये हो गया कलर का, इस पे हम यहाँ पर देखिए ये आ गया, सारे ऑप्शंस आ गए, नो फिल या फिल मोर कलर फिल, ये सारे ऑप्शंस होते हैं और इसमें क्या करेंगे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द डिजायर कलर फ्रॉम द लिस्ट, द फिगर गेट फिल्ड विद दैट कलर, और जैसे ही हम इसमें से कोई भी कलर सेलेक्ट करके और फिल विद फिल कलर करेंगे तो हमारी शेप क्या हो जाएगी, कलर हो जाएगी, पूरी कलरफुल हो जाएगी। कलर जो भी हम करना चाहते हैं, पहले ब्लैंक थी अब हमने इसमें कलर कर लिया। तो आज हमने बेटा रीड करा है इंसर्टिंग पिक्चर, इंसर्टिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट स्टाइल और फिल शेप, शेप ड्रॉ करना और शेप फिल करना। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।